हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला। हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज एलसीएम एचसीएफ में हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे और आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और उसमें ही कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो कि सीपीओ सीजीएल 2018-19 में आए हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे हम लिखे आए हैं आपके लिए। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे टाइप के लिखे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन है सीपीओ 2019 के पेपर में आया हुआ। लिखा गया है, वह 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। देखिए, लिखा गया है वो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 आता है। ये पूछा गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 9, 9 फोर टाइम्स और 8, 2। फिर अगला ऑप्शन है 4, 9 5, 6। फिर ऑप्शन दिया गया है 4, 9, 6, 0। फिर ऑप्शन है 4, 9, 6, 4। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये इतना दिया गया है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, पहली बात तो मैंने बताया है, जब इन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिया जाए तब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। कैसे? देखिए, आप करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 8, 4, 12, 4, सब जगह 4 का डिफरेंस है। देखिए, हर जगह 4 का डिफरेंस है। अगर सब जगह डिफरेंस सेम होता है तो आपको बताया गया है कि एलसीएम लिखते हैं और उसमें से डिफरेंस को क्या करते हैं, माइनस करने पे ही वो नंबर हमें मिलता है। ये होता है, पहले एलसीएम लिखा जाता है, एलसीएम में से माइनस 4 करते हैं जब डिफरेंस समान। और जब ये दिया गया हो कि प्रत्येक बार डिफरेंस 4 बचता है तो प्लस करते हैं, तो उनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है? देखिए, अब अगर यहाँ से हम कहें एलसीएम बताइए तो क्या होगा, नंबर में 4 जोड़ दें, ये तो होगा। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि नंबर में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो वो एलसीएम आएगा। एलसीएम में अगर ये 30, 24, 20, 15, 12 लिखा गया है तो इसका मतलब 5 यहाँ पे आया है, यहाँ 3 आया है, तो 5 और 3 एलसीएम में रहा होगा कि नहीं? जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 और 3 का मल्टीपल मिलना ही है। तो आप चेक कर लीजिए 5 और 3 का मल्टीपल किस नंबर में मिल रहा है, लेकिन कब, नंबर में 4 जोड़ने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। चेक करिए, इसमें 4 जोड़िएगा 86, 86 हो जाएगा। देखिए, कट रहा है, 6 तो कैंसिल हो रहा है, 8 नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 से डिविजिबिलिटी हम पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है? अगला देखिए, अच्छा अब लास्ट वाला मान लीजिए आ जाए, हम यहाँ पे 4 ऐड कर दें, 4 ऐड करिएगा तो 68 आएगा। पहली बात, ये 3 से भी नहीं डिविजिबल है, और अगर 5 से देखिएगा तो 5 से भी नहीं डिविजिबल है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइए, 4 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 64, क्या ये 5 से डिविजिबल है? 5 से ही नहीं डिविजिबल है, 3 से देखना ही नहीं आसान है, 5 से डिविजिबिलिटी पता होगा आपको, लास्ट में 0 या 5 मिले। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा जो कि आंसर होगा, कैसे, 4 ऐड करिएगा तो ये 60 हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल है 60 और पूरा नंबर, और 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर है बात? अब देखिए, अब बेसिक लगाना चाहें, लगा दीजिए बेसिक। एलसीएम निकालना है पहले आपको, एलसीएम आप निकाल लीजिए 30, 24, 20, 15 और 12 का एलसीएम निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। 30 लिखिए, 24 का कितना पार्ट है, 6, 25, 30, 6, 4, 24, 4 हो गया। फिर 20 का 5 भी है इसमें, 4 भी है, दोनों अवेलेबल है। फिर 15 का 5 भी है, 3 भी है, और 12 का 4 है, 3 है, सब आ गया है, यानी ये इतना नंबर हो गया है। और हमने कहा था कि माइनस 4 करना है। अगर आपको ये 4 अंकों 6 अंकों की संख्या निकालनी है, मैंने बताया है आपको यहाँ पे के मान लिया जाता है, मतलब इसका गुणज लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, गुणज हम इसका लेते हैं, माइनस 4 बाद में करते हैं। ये नहीं कि आप लिखिए 30 × 4 120 − 4 116 लिख के उसका गुणज निकालिए, तब गलत होगा आपका, ठीक है? तो आप इसका गुणज लेते हैं, इसके बाद 4 माइनस करते हैं, ले लीजिए
एक ये हो गए 120 के, 120 के में से 4 माइनस करना है, और ऐसी संख्या बनानी है जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? यही हो सकती है, क्लियर है? अब आप क्या कहेंगे कि एक तो लास्ट में यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या होती है? जीरो ही होती है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो यहाँ तो 9 नहीं आएगा ना, यहाँ तो जीरो आएगा, श्योर है? ये बात तो श्योर है ना। अब आपको केवल चेक करना है 12 से ये नंबर कहाँ तक डिविजिबल है, एक ही चीज़ आपको चेक करनी है। तो चेक कर लीजिए कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। देखिए कुछ जगहों पे आपको मल्टीपल निकालना आसान होगा, कुछ जगहों पे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे निकालना आसान होगा। तो इस बात को समझिएगा कि हर जगह एक ही रूल नहीं लगता, ये रूल हर जगह लगेगा, कैलकुलेशन का तरीका हर जगह सेम नहीं होता है, ठीक है? देखिए 12 से डिवाइड करिए, 12 8 96, 39, 12 3 36, 39, 12 3 36, 39, 12 3 36, यही होगा। और अगर हम इसी को 12 3 36 ही बना दें, देखिए 6 बना दिया। अब देखिए ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है। फिर से समझिए कि मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा कि अगर लास्ट डिजिट यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो है तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, लास्ट डिजिट जीरो में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे 12 3 36 हुआ, 3 बचा, यहाँ 30 हो गया, अब इसको चेंज कर दें, फिर हम कहें 12 3 36 हो रहा है इसको 6 कर दो, या फिर हम कहें 12 2 24 हो रहा है यहाँ पे 4 कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट जीरो है। किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो हमेशा यूनिट डिजिट जीरो देगा। तो कुल मिला के आप इसको हटा ही दिया करिए। अब देखिए थोड़ा सा आसान होगा, 5 9 बचे हैं, 5 9 में ऐसा हमें चेक करना है जो 12 से डिविजिबल हो जाए। तो 12 से डिविजिबल हमने चेक किया, 12 8 96, 39 बचा है यहाँ पे, 12 3 36, फिर 39, 12 3 36, 36 तक डिविजिबल है। यानी इसी को 9 को हम अगर 6 लिख दें, क्या ये डिविजिबल है? इसका मतलब हमारा यहाँ पे नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 999 4 टाइम्स और 6, और ये लास्ट में 0 है, यानी ये नंबर हो जाएगा। अब यहाँ k की वैल्यू निकालने आप बैठिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से k की वैल्यू आ रही थी 8333। क्या इतना बड़ा आप कर पाइएगा? कोई मतलब नहीं, जो चीज़ आसान हो वही क्या करिए, आप यहाँ से डिवाइड करिए इसको, जहाँ तक ये डिविजिबल हो जाए वही नंबर लिख लिया करिए। इसका मतलब ये पूरा इतनी वैल्यू क्या आ गई, 4 times 9 60 - 4, यानी कितना आया, 4 times 9 5 6। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्लियर होगा, आगे बढ़िए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले एक क्लास में करवाया था, बट एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपके दिमाग में सेट हो जाए क्वेश्चंस। देखिए फिर क्वेश्चन दिया गया है अगला, इस तरह का क्वेश्चन अब आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और अच्छा ले लीजिए, दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 15 18 21 और 24 से विभाजित करने पर, 15 18 21 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 11 14 17 और 20 प्राप्त हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 15 18 21 24 से विभाजित करने पर शेषफल 11 14 17 और 20 प्राप्त हो। आपके ऑप्शंस दिए गए 6 6 5 7 7 5 5 6 5 6 7 6 और 7 6 6 4, ठीक है? ये इतना दिया गया। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन भी बहुत ही कम है इसमें। अगर आप चाहिए तो तुरंत फिर से क्या कर सकते हैं, तरीका क्या है, एलसीएम में से जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 4 का, तो 4 ये घटाना है और आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा, है ना? लेकिन अगर यहाँ से आप घटा रहे हैं तो नंबर में प्लस 4 कर दीजिए, तब भी तो एलसीएम के बराबर होना चाहिए, यही तो अभी हम समझा के आ रहे हैं। तो नंबर में प्लस 4 कर दीजिए, यहाँ पे 4 ऐड करिएगा तो 7 7 7 6 6 8 हो जाएगा, 76 68 हो जाएगा। और आपको किसका मल्टीपल चाहिए, 3 भी मिल रहा है यहाँ पे, 9 भी मिल रहा है, 7 मिल रहा है, सभी चीज़ें मिल रही हैं। पहली बात 2 मिल रहा है, 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। देखिए सब में हम 4 ऐड करके दिखाते हैं, 4 ऐड करिए, 4 ऐड करिए, 4 ऐड करिए, 4 ऐड करिए। सबसे पहले इसमें 4 ऐड करिए तो कितना आएगा, 7 4 11 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 है, ऑड है, क्या 2 से डिविजिबल होगा,
देखिए इसमें दो आ रहा है, इसमें दो आ रहा है, तो दो से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो सीधे कैंसिल हो गया। फिर लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, अच्छा पाँच भी मिल रहा है, मतलब पाँच की भी डिविजिबिलिटी आपको देखते रहना है, तीन मिल रहा है, पाँच मिल रहा है, तीन पाँच बहुत ही आसान डिविजिबिलिटी होती है, सबसे पहले इन्हीं को पकड़ा करिए। ठीक है, देखिए इसमें चार चार आठ मिला, क्या ये पाँच से डिविजिबल है? नहीं मिल डिविजिबल है, लास्ट डिजिट हमें क्या चाहिए, जीरो या पाँच। छः चार दस ये मिल रहा है, छः चार दस ये मिल रहा है, दोनों में मिल गया। अब चेक करिए आप, तीन से डिविजिबिलिटी, तीन से डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, छः चार दस ये छः हो गया है, सात पाँच बारह, छः अट्ठारह डिविजिबल है, इसको चेक कर दीजिए, छः चार दस ये आठ बचा है, छः पाँच ग्यारह आठ उन्नीस, क्या ये डिविजिबल है तीन से? नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड। अब इसी को बेसिक से करना चाहें तो क्या कहेंगे आप कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, 24 हो गया, 21 में तीन इसमें है, सात नहीं है, 18 का 6 है, 6 तीन 18 वो होगा, 6 चौक 24, तीन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से पाँच कितना हो गया, और इसका के लेंगे हम क्योंकि आपको चार डिजिट के चाहिए, इसका के टाइम्स माइनस 4। अब इसी को आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो पाँच से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 24 बच्चे 120 हो जाएगा, और सात तीन 21 हो जाएगा, 120 और 21 का मल्टीप्लिकेशन, 120 और 21, 21 दूना 42, 4 और 21 4 25, ये इतना आ जाएगा, मतलब यही नंबर जो आएगा वही आंसर होगा आपका। अब आपको लेना है चार डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9999, सबसे बड़ा नंबर ये हो सकता है। अब चेक करिए, पहली बात तो यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट ज़ीरो होगी, उसमें कोई शक नहीं है, इसका मतलब हम सीधे के सीधे कह सकते हैं कि यहाँ से हम यूनिट डिजिट हटा देते हैं। अब आपको क्या मिला, तीन अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या मिली जिसको 252 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए, कैलकुलेशन में आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिए, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा, उतनी जल्दी समझ में आएगा। देखिए 25 का मल्टीपल 25 चौका 100, चार बार अगर जाइएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 1000 के ऊपर आ जाएगा ना, तीन बार ले जाइए 25 नहीं 75, देखिए मामला बन रहा है, यानी के की वैल्यू अगर आप तीन रख रहे हैं तो आप क्या पाइएगा, तीन से गुणा कर दीजिए, तीन दूना छः, 25 तीन 75 माइनस 4, ये देखिए ये जो नंबर आ रहा है माइनस 4 करने पर 7556, ये चार अंकों का सबसे बड़ा नंबर है कि नहीं? अगर यहाँ पे आप के की वैल्यू 4 रख के देखिए, के की वैल्यू 4 रखते ही आपको क्या मिलेगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 1000 से बड़ी संख्या मिल गई, हमें तो कहाँ तक लेना था 10000 से बड़ी संख्या मिल गई, हमें तो कितना लेना था 9999 लेना था, हमें 10000 से बड़ी संख्या मिल गई, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, समझ रहे होंगे? तो तीन रखा है यहाँ पे, आपको 7556 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन सही था। तो आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए CPO 2019 का ही एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा है, बिल्कुल आसान सा, बस जल्दी जल्दी से हम करेंगे, आप समझते रहिए। लिखा गया x चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। किसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यदि x 2000 और 2500 के बीच स्थित है तो x के अंकों का योगफल क्या होगा? x जो दिया गया है 2000 और 2500 के बीच स्थित है, ठीक है, तो x के अंकों का योगफल, देखिए यहीं पे आप गड़बड़ाते हैं, क्या दिया गया है कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या, तो यहीं पे आप गड़बड़ाते हैं कि ऑप्शन नहीं मिला, तो आप कहते हैं ऑप्शन नहीं मिला तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछ लिया गया, अंकों का योगफल पूछ लिया गया, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। आपको कहा गया इतने अंकों से डिविजिबल है और हर स्थिति में शेषफल 1 आ रहा है, तो प्लस 1 किया जाता है, तो आप निकाल लीजिए एलसीएम इसका, जल्दी जल्दी से बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम कितना आने वाला है 7, 6, 5, 4 इसमें अवेलेबल है नहीं, 2 अवेलेबल है, 2 नहीं, 3 और 2 ऑलरेडी है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, और इसका के टाइम्स लेना पड़ेगा प्लस 1, हर जगह शेषफल 1 आ रहा है, तो 5 दो ना 10, 7 छः 42, 420 हो जाएगा, 420 के प्लस 1। अब आपको क्या निकालना है,
संख्या क्या है, 2000 और 2500 के बीच में, तो इसको 2000 के आसपास ले जाइए। 2000 के आसपास ले जाना है मतलब 42 का कितना गुना कर दें, 2000 से 2500 के बीच में, यही दिया गया। तो अब इसको 2000 के आसपास ले जाना है तो 5 बार मल्टीप्लाई कर दें, 5 बार करिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा। देखिए चार, पहले थोड़ा थोड़ा नंबर चेक किया करिए, जैसे हमने क्या सोचा 5 चौक 20, इसके आसपास बन जा रहा है ना। अगर इसको 4 से करिएगा तो 4 2 8, 4 चौक 16, 1600 समथिंग आएगा, तो 2000 के आसपास नहीं आ रहा ना, 2000 से प्लस हमको चाहिए। तो हमने k की वैल्यू अगर 5 ले ली, सबसे छोटी संख्या चाहिए, आप 6 भी ले सकते हैं लेकिन सबसे छोटा हमको चाहिए, तो अगर 5 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 9 10 और 5 चौक 20 21, कितना नंबर आ गया, 2101 हमें नंबर मिल गया, 2101। इसके अंकों का योगफल कितना हो जा रहा है, 2 1 3 और 1 4, अंकों का योगफल 4, आंसर होगा आपका 4। ये CPO के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है CPO 2019 के पेपर का क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, आसान सा था इसलिए मैंने जल्दी से बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ लीजिए। लिखा गया है यदि एक्स 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर, यदि x 15, 18, 20 और 27, 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 देता है, 10 देता है, और x 31 का गुणज है, 31 का मल्टीपल है, तो x में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं 43, 36, 39 और 37। ये 2018 के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 15, 18, 20, 27 से विभाजित करने पर एक संख्या है जो हमेशा 10 शेषफल देती है, ठीक। तो आपसे पूछा गया कि उस संख्या में अब हमें क्या जोड़ना चाहिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तरीका मैंने बताया हुआ है आपको कि क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल था इसलिए हमने 10 जोड़ दिया, हर जगह अगर आपको डिफरेंस लेना पड़ता तो डिफरेंस को घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 27 है, 20 में से 5 आपको मिलेगा, 4 भी मिलेगा, है ना, 20 पूरा का पूरा इसमें कुछ भी नहीं है तो इसलिए 20 पूरा लिखना पड़ेगा, 18 का 9 इसमें है, 9 3 27, 9 2 18, 2 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, 15 का 5 3 15 दोनों है, तो यानी आपको ये नंबर मिल जाएगा और 10 इसमें ऐड कर देना है, है ना। तो आप क्या पाएंगे यहाँ से, 5 चौक 20 को 27 2 9 54, 540 में 510 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 27 2 9 54, कोई और कंडीशन, लिखा गया था कि x विभाजित करने पर प्रत्येक शेषफल, कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, मेरे ख्याल से कंडीशन दी गई थी कि कुछ स्पेसिफिक अंकों का था, एक सेकंड रुकिएगा, 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में इसमें कोई कंडीशन दी गई थी, एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा नहीं गया है बट एक कंडीशन कोई दी गई थी, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, 27 लिखा हमने, 9 3 27, 20 पूरा का पूरा आ जाएगा, 9 2 9 18, 9 इसमें आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो 550 शायद ये 4 अंकों का था या 3 अंकों का, ऐसे कुछ था कि एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फिलहाल हम आपको कोशिश करते हैं समझा दें कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था मुझे लगता है ऐसा था कि 2000 और 2500 के बीच में ये भी था, संख्या 2000 और 2500 के बीच में ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। तो फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इस तरह का और क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो भी करवाएंगे। तो आपको क्या दिया गया था, मान लीजिए 2000 और 2500 के बीच था, शायद ऐसा ही कुछ था, तो 15, 18, 20, 27 का आपने एलसीएम लिया और मैंने बताया अगर आपको कोई नंबर लेना है तो इसमें के लगा लेते हैं, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 540 के प्लस 10।
अब हमें 2,000-2,500 के बीच में लेना है, 2,000 के आसपास जाइए, सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी होती है, 2,000 के आसपास सबसे छोटी संख्या, ऐसे ही लिखा होता है कि बताइए 2,000 और 2,500 के बीच सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15, 18, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल दे और 31 से पूर्णतः विभाज्य हो या 31 का मल्टीपल हो, तो जो भी कह लीजिए सारी बातें सही। अच्छा सॉरी, 31 का मल्टीपल भी दिया गया था, सॉरी वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए जो हम आपको समझाना चाहते थे वो मैंने ध्यान नहीं दिया, 31 का मल्टीपल है। देखिए अब आपको हम जो समझाना चाहते थे वो समझिए। आपने क्या कहा कि हम एलसीएम ले लेंगे और उसमें एलसीएम में 10 ऐड कर देंगे, यही तो करते थे। लेकिन इस बार आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 31 से डिविजिबल नंबर है, 31 से डिविजिबल नंबर, जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि कोई डिविजिबल नंबर हो तो आप क्या किया करिए, एलसीएम का के गुना ले लिया करिए और 31 से डिवाइड करिए। मतलब जो भी हम नंबर बनाएं वो नंबर कैसा होना चाहिए, 31 से डिविजिबल होना चाहिए। 31 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम का के टाइम्स लेंगे। हमेशा हम जो भी मल्टीपल लेते हैं वो किसका लेते हैं, एलसीएम का लेते हैं, बाद में जो ऐड करना होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सही था, केवल मैंने ध्यान नहीं दिया 31 भी दिया गया था। तो आपको क्या बोला गया कि 31 से डिविजिबल है, तो 31 के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम का के टाइम्स लेके ऐसा नंबर सेट करेंगे जो 31 से डिविजिबल हो। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एलसीएम लिया आपने, 27 और 20 यहाँ पर लिया और बाकी सब तो इसमें अवेलेबल ही है, 27 और 20 हो गया। इसका के टाइम्स लेना है और 10 ऐड करना है, ये ऐसा नंबर चाहिए हमें 31 से डिविजिबल। अच्छा 31 से डिविजिबल नंबर चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 540 के, 540 के आसपास बताइए 31 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, डिवाइड करके देख लीजिए। 31 से 31 एक बार डिवाइड हो रहा है, डिवाइड 230 आ गया, 230 आ गया, तो 31 से फिर से चेक करिए कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार जाएगा, तो 7 या 21, यानी आप कहाँ तक जा सकते हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 और 1, 13 बच रहा है रिमाइंडर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 540 को अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13 के प्लस इसमें जो भी बचा हुआ है, 13 के अलावा कितना बचा हुआ है, 7 बचेगा यहाँ और यहाँ 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बस इतना आप सोचिए कि ये गलत लिखा है या सही। अगर हम 540 को ब्रेक करके ऐसे लिख दें 527 के प्लस 13 के, तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम किसी भी नंबर को दो नंबर के प्लस के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीपल के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें पता है ये 31 से पूरी तरह डिविजिबल है और हमें क्या बनाना है, इस पूरी संख्या को 31 का डिविजिबल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब 13 के प्लस 10 को 31 का डिविजिबल बना लेंगे। तो चेक करिए के का वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा रख रख के, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 13, 10, 23 नहीं हो रहा है, 26, 10, 36 नहीं हो रहा है, 39, 10 नहीं हो रहा है और 52, 10, 62, 31 का मल्टीपल मिल गया। मतलब के की वैल्यू 4 ले लें, 13, 54, 52, 10, 62, 62 डिविजिबल है, यानी आपकी संख्या क्या थी, संख्या तो आपकी ये थी, इसी को आप डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा था आपने, यानी आपका नंबर क्या आ जाएगा, 540 का 4 गुना प्लस 10, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पच्चे 20 21, 2170 बन जाएगा, 2170 आपका बन गया। लेकिन हमसे ये नंबर नहीं पूछा था, अगर नंबर पूछा गया होता तो आंसर ये होता 2170, नंबर ये पूछा गया था तो आंसर कर देते, लेकिन हमसे पूछा गया इसमें क्या ऐड करें कि हमारी संख्या जो हो वो होल स्क्वायर नंबर बन जाए। होल स्क्वायर नंबर इसके आसपास कोई याद हो तो आप चेक कर लिया करिए, जैसे अगर 40 का स्क्वायर करिए 1600 आएगा, काफ़ी छोटा है, 50 का स्क्वायर करिए 2500 थोड़ा सा बड़ा है इससे, यानी कि 40 से 50 के बीच का कोई स्क्वायर नंबर होना चाहिए इसके आसपास, है ना। अब 45 का स्क्वायर शायद आपको याद हो, 45 का स्क्वायर 20-25 होता है ना, 2025, तो 45 का स्क्वायर 2025 हो गया, मतलब 45 से 50 के बीच किसी नंबर का स्क्वायर ये बन सकता है, है ना। तो अब क्या कहेंगे आप कि अगर हम 45 से 50 के बीच सोचेंगे तो आपको 45 से 50 के बीच कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं, ये सोचिए। 45 से 50 के बीच
46 हो सकता है, 47, 48, 49, 50 नहीं हो सकता है क्योंकि आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट आप तुरंत चेक कर लिया करिए, यूनिट डिजिट अगर 6 का स्क्वायर मिलेगा तो 6 मिलेगा, 7 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 9 का स्क्वायर 1 मिलेगा। इनके अलावा कोई यूनिट डिजिट आ सकती है? नहीं आ सकती। देखिए जल्दी करने का तरीका हम बता रहे हैं, हो सकता है आपको एग्जैक्ट ना याद हो, हमें तो डायरेक्टली मिला था तो आप कर लीजिएगा, जैसे आपको याद हो अगर 47 का स्क्वायर तो आंसर हो जाता है, बहुत ईजीली हो जाता है। लेकिन अगर नहीं याद है यूनिट डिजिट से सोचिए, अगर इसमें हम 43 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 मिलेगी, हमें यूनिट डिजिट 3 नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। 36 चेक करिए, 36 ऐड करिएगा यूनिट डिजिट 6 मिलेगी, यानी ये हो सकता है। फिर 39 9 मिल सकता है, 37 यूनिट डिजिट कहीं 7 है? नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं थी। अब 36 और 39 दोनों ऐड करके चेक कर लीजिए, मान लीजिए 36 ऐड करिएगा तो किसके आसपास हो, 46 का स्क्वायर बनना चाहिए। 36 अगर ऐड करिएगा यूनिट डिजिट 6 आने के लिए 46 का होल स्क्वायर होना चाहिए, 46 का स्क्वायर चेक कर लीजिए आप, मन करे ऐसे करिए। या फिर हम डायरेक्टली 39 ऐड करके दिखाते हैं आपको, 39 ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 9 और ये 220, ये होता है हमेशा किसका स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। एक को स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, अगर आप 36 वाला चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 46 का स्क्वायर आपने चेक कर लिया, 46 का स्क्वायर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, तो एक ही ऑप्शन बचा। और अगर डायरेक्टली आपने 39 चेक किया तब तो ये आंसर आना ही है, समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन हम एक और करवाते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है, यही प्रोसेस करेंगे। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल यही प्रोसेस करनी है, बस आपको हम समझा देंगे, ये परेशान मत होइए, बिल्कुल इसको नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक, एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं इसी पे। देखिए लिखा गया है सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है, ये लिखा गया है एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 बचता है, लेकिन वह संख्या 11 से विभाज्य है, तो एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक, अब हमें क्या पता चला कि ये इतने से विभाज्य है, सबसे छोटी संख्या लेना है, लेकिन वो संख्या किससे विभाज्य है, 4 शेषफल बचता है, वो संख्या 11 से विभाज्य है, है ना, 11 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योगफल आपको बताना है। तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, वो संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो आप क्या कहेंगे कि एलसीएम इंटू के, और 4 हर बार बचता है तो 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी एलसीएम सबसे पहले हम निकालते हैं 36, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 12 पूरा है, 9 पूरा है, 8 नहीं है, 4, 9, 36 यानी 2 बचेगा, लिया गया इसका एलसीएम, इसका के टाइम्स हमको लेना है, और 4 शेषफल बच रहा था, ये जो नंबर होगा ये 11 का हमें डिविजिबल लेना है। बोला क्या गया है कि ये 8, 9, 12, 14, 36 से पूर्ण विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 4 आता है, ऐसा छोटा नंबर है x, और x जो है वो किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो हमने कहा एलसीएम लीजिए, एलसीएम का के गुना लीजिए, के टाइम्स 4 ऐड करिए, ये जो नंबर आता है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। अब ये जो नंबर आएगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके लिए आपको तरीका मैंने बताया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7, 9, 14, 84 और 42, 8, 50 ये मिल गया। अब हम आपसे कहें इसी को थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, जितना 11 से डिविजिबल है उसको अलग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 6 64, 11 5 55 यही आएगा, 9 बच जाएगा ना, हाँ ठीक है, 5 यहाँ से हटाइए तो सॉरी 4 यहाँ से हटाइए, 5 वहाँ से हटाइए तो 95, 495K प्लस 9K प्लस 4। अब देखिए ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये अगर डिविजिबल है तो इसको हटा देते हैं, केवल इतना पार्ट नहीं डिविजिबल है, अब K की ऐसी वैल्यू रखिए कि ये पूरा पार्ट 11 से डिविजिबल हो जाए। देखिए 9, 4, 13 नहीं डिविजिबल है, 9, 2, 18, 4, 22 डिविजिबल हो गया, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई,
दो आ गई। अब इसमें के की वैल्यू रख दीजिए, नंबर हमें निकालना है तो नंबर क्या हो जाएगा, 504 गुणे 2 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 12 और 5 दूना 10, 1012। आपसे पूछा गया अंकों का योगफल बताइए, तो आप क्या कहेंगे, अंकों का योगफल 2 1 3 1 4, आंसर होगा आपका अंकों का योगफल 4 आ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे मैं पूछ लिया जाता कि बताइए कितना माइनस करने पर ये संख्या होल क्यूब हो जाएगी, इसी क्वेश्चन में सेम पूछ लिया जाता कितना माइनस करने पर होल क्यूब हो जाएगी, तो आपको सीधा दिख रहा है 12 माइनस करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, 1000 10 का होल क्यूब, तो आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा इस बार, बेहतर। एक और क्वेश्चन है इसी पे सेम, आपको एकदम ये क्वेश्चन रट जाए, है ना, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है इस समय। कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी, आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। लिखा गया है वो न्यूनतम संख्या क्या है जो 16, 18, 20, 25 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल देती है। 16, 18, 20, 25 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल देती है, उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता। देखिए बोला गया कि वह छोड़, ये भी 2018 के मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये 2018 मेंस में आया है और देखिए कितना आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। लिखा गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 16, 18, 20, 25 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल देती है और उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो संख्या का 1000वां अंक क्या होगा, 1000 प्लेस पे कौन सा अंक क्या हो, सॉरी 1000 प्लेस पे अंक कौन सा होगा, है ये पूछा गया था, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बेसिक लगाना पड़ेगा ये बात अलग है, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन से इसको नहीं कर सकते। तो अब देखिए इसको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 यहाँ पे मिल गया, 4 इसका नहीं मिला है, इसका 9 नहीं मिला है, 9 2 18 2 मिल गया था, 9 नहीं मिला था, 16 का 4 मिल गया है, 4 एक और चाहिए हमें, इसका k टाइम्स लेंगे और हमें हमेशा 4 बचाना है, और ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल है, क्वेश्चन में लिखा गया 7 से पूर्णतः विभाज्य। तो अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, 25 चौका 100 हो गया, 9 चौक 36, यानी कितना मिल जाएगा आपको, 3600 k प्लस 4 बटे 7। अब इतनी बात तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हो और जो 7 से ना डिविजिबल हो। मतलब हम क्या लिखते हैं सीधे सीधे तौर पे, इसका रिमाइंडर लिखते हैं, है ना। तो अब बार बार हम आपको करके नहीं दिखा रहे हैं, वो चीज़ें लिख के नहीं दिखा रहे हैं, अब आपको समझना है कि 7 से इसको डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आए वह यहाँ पर लिखिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 5 35 1 36, 7 3 बचा, 7 4 28 2 बचा, है ना, 2k प्लस 4 ये बच जाएगा, इसी को आप चेक कर लीजिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 1 रखिएगा अगर k की वैल्यू, 4 2 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा 4 4 8 हो जाएगा, 3 रखिएगा 6 4 10 हो जाएगा, 4 4 2 8 4 12, 5 2 9 10 4 14, देखिए 5 पे सेट हो जा रहा है, k की वैल्यू 5 अगर रखिएगा तो 5 2 9 10 4 14 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी आपका नंबर क्या हो जाएगा, 3600 गुड़े 5 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 0 6 5 30, 3 5 15 3 18। आपको क्या मिल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वें अंक पे कौन सा मिला, 8, आपका आंसर था 8। आपसे पूछा गया था 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 1000वें अंक पे कौन नंबर आएगा, वो आपने लिख दिया। ये 2018 मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे जिसमें लिखा होता है कि 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना हो, या पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो, या पूरी संख्या 31 से विभाज्य हो, ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अगले टाइप पे। लिखा गया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है ये, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसका तरीका, तरीके इसके बहुत सारे हैं, हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए आपको लिखा गया क्वेश्चन में कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होता है, तो m को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर से सुनिए, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर
छः और पाँच से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होता है। 5 और 3 प्राप्त होता है तो m को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए तीन तरीके हैं इसके, सारे तरीके आप समझिए। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, 6 से विभाजित करने पर 5 शेषफल है, यानी कि 6 6 का कुछ गुना, देखिए 6 का कुछ गुना ले लें और 5 जोड़ दें, ये एक नंबर होगा। और ऐसे ही 5 का कोई गुना ले लें, 5y+3, ये अगर बराबर हो जाए तो वही नंबर होगा जो हमको चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि सबसे बेकार मेथड है, सबसे लेंदी मेथड है ना। तो हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप नंबर क्या लेंगे, अगर आपको 6 से डिविजिबल कोई नंबर चाहिए और 5 रिमाइंडर चाहिए तो आप नंबर क्या लेते हैं, 6k+5, यही तो लेते हैं अभी तक, यही तो लेते आए हैं। तो आप क्या कहेंगे, हमें 6k+5 एक नंबर मिला है, ये नंबर मिल गया। आपने कहा कि 6 से डिविजिबल 5 रिमाइंडर वाला चाहिए तो 6k+5 मिल गया, लेकिन अगली बार हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, तो अगर हमें 3 रिमाइंडर वाला नंबर चाहिए, सॉरी 3 रिमाइंडर, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ जो नंबर होगा वहाँ 3 रिमाइंडर रहा होगा, तो अगर हम 3 इसमें से हटा दें, हमने क्या कहा कि ये 6 और 5 से डिविजिबल, हमने एक संख्या मान ली, हमने कहा 6 से डिविजिबल 5 रिमाइंडर, ये एक नंबर होगा, इसी को हम मान लेते हैं ये सबसे डिविजिबल है 6 और 5 दोनों से। तो अगर ये डिविजिबल रहा होगा तो 3 अगर इसमें से घटा दें, ये जो 3 रिमाइंडर आएगा, ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करेगा कोई नंबर तो 3 रिमाइंडर आएगा, 3 को अगर हम घटा दें तो वो संख्या पूरी तरह 5 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब ये पूरा नंबर हमें क्या पता चला, 5 से डिविजिबल, यही होना चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए, 5-3 2 आया, 6k+2, ये 5 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। k की वैल्यू निकाल लीजिए, k की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 तो 8 नहीं डिवाइड होगा, 6 2 9 12 2 14, 6 3 18 2 20, 3 पे डिवाइड हो जा रहा है। 3 रखिएगा अगर, तो इसका मतलब आपको नंबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए 3, 6 3 18 5 8 5 13 23। देखिए आपका नंबर इतना ही था, ये तो आपने एडिशनल काम किया है, तो नंबर क्या मिल गया, 23। अब आपको जब भी 23 मिल गया, अब आपको जब भी 6 और 5 का LCM, 6 और 5 का LCM कितना होगा, 30 हो जाएगा। जब भी आप 30 में 23 को ऐड करिएगा तो हमेशा एक ऐसा नंबर फॉर्म होगा जो कि 6 से डिवाइड करने पर 5 और 5 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगा। 30 में ऐड करिए, 23 को देख लीजिए ऐड करके। अब अगर 30 में ऐसा हो रहा है तो 30 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिएगा, मान लीजिए इसका केवा मल्टीपल ले लिया हमने, इसका कोई भी मल्टीपल लीजिएगा, उसमें 23 ऐड करिएगा तो हमेशा वो नंबर 6 से डिवाइड करने पर 5, 5 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगा ही देगा। अब हमें चूंकि क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए 4 अंकों की, क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि 999 के आसपास कोई नंबर हो। 30 से डिवाइड करिए 999 को, आपको मैंने बताया 0 अगर लास्ट में है तो आपको ये वाला देखना ही नहीं है, केवल इसी को चेक कर लीजिए। 3 से डिवाइड कर लिए, 3 3 9 3 3 9 990 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रही है तो 9 9 ये ले लिया और 0 लास्ट में लगाना है, यानी यहाँ पे आपने 990 लिया। अब अगर 990 में 23 ऐड करिएगा तो 1000 के ऊपर चला जाएगा ना, तो इस वजह से आप 990 तो नहीं ले सकते हैं। समझ में आया क्यों नहीं ले सकते ना, 1000 के ऊपर नंबर नहीं लेना है हमको, 999 तक ही लेना है, तो इसलिए आप 990 नहीं ले सकते हैं। तो 30 घटा दीजिए, 960 तो ले सकते हैं ना। देखिए 30, हर 30 के डिफरेंस पे ये डिविजिबल मिलता है ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप 30, सॉरी ये पूरा नंबर क्या हो गया, 960, और 23 ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 983, यही होगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं, इसको आप ऑप्शन से कर सकते थे हम मान रहे हैं, बट आपको हम बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं हो आपको ऑप्शन मिले, हो सकता है आपसे पूछ ले अंकों का योगफल बताइए, तो क्या करेंगे आप, तो फिर आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तरीका आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे, मुझे लगता है शायद बेहतर समझ पाए होंगे कई लोग। अब हम जो तरीका आपको बताना चाहते हैं, सबसे बेसिक तरीका और सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा मेहनत करिए और बिल्कुल बेसिक सा तरीका लगाइए, ठीक है। हम सबसे पहले कहते हैं कि 6 से डिविजिबल और 5 रिमाइंडर वाला एक संख्या ले लेते हैं,
ठीक है, 6 से विभाज्य और 5 शेषफल देने वाली एक संख्या ले लेते हैं जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। 999 के पास 999 के आसपास 6 से विभाज्य संख्या कौन सी हो? हम लिख देते हैं, देखिए 6 3 9 39, 6 6 36, फिर यहाँ भी 36 बनाना पड़ेगा, यानी 996 लेना पड़ेगा। यह भी बात समझा के आए हैं थोड़ी देर पहले हम आपको। तो 996 नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है और हमको 5 शेषफल चाहिए। अगर इसमें से हम 5 घटा दें, सॉरी 1 घटा दें, इन दोनों का डिफरेंस ही तो घटाया जाता है, 1 घटा दीजिए अगर, तो आपको जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा, 995। इसमें क्या शेषफल 5 बच रहा है कि नहीं 6 से डिवाइड करने पर? बचेगा, श्योरली बचेगा। आपको क्या पता है कि जब अगर हम मान लीजिए 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 आता है। अगर हम कहें आपके पास एक नंबर है 16 नंबर को आप, या 10 नंबर मान लीजिए, 13 नंबर मिला या 12 नंबर मिला, जो भी ले लीजिए, 12 नंबर है, उसमें आपको 5 रिमाइंडर लाना है, तो आप क्या कहेंगे, 12 से 1 छोटा कर दीजिए 5 रिमाइंडर बचेगा, 2 छोटा करिएगा 4 रिमाइंडर बचेगा। ये बात तो क्लियर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या अगर आपको ना याद रहे तो आप क्या कहिए कि इन दोनों का अंतर ही घटा दिया जाता है, ठीक है। तो आपने कहा कि 996 एक नंबर था जो 6 से डिविजिबल था, तो 995 ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल देता है। अब ऐसे ही 3-4 नंबर आप लिख लिया करिए, 3-4 नंबर लिख लीजिए, हर 6 नंबर के बाद यही रिपीट होता है। कोई भी जैसे आपको पूछा गया 3 का मल्टीपल बताइए, तो आप क्या कहते हैं, 3 6 9 12, ऐसे ही तो कहते हैं, हर 3 नंबर के बाद ये नंबर रिपीट होते रहते। तो वैसे ही अगर हम ये कहना चाहें कि ऐसा ही एक नंबर और कब मिलेगा, तो वो हर 6 अंक के बाद रिपीट होना चालू होगा ना, तो 6 इसके पीछे चलते हैं, 6 माइनस कर दीजिए इसमें तो 989 बचेगा, फिर 6 माइनस करिएगा तो 983 बचेगा, फिर 6 माइनस करिएगा तो 977 बचेगा। बस 4 अंक लिख लिया, 4 नंबर लिख लिया करिए, देखिए हमने चारों नंबर लिख लिए। केवल 4 नंबर आपको लिखने पे ही अब आपको इन चारों में चेक करना है 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देने वाली संख्या क्या है। 5 से डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, देखिए लास्ट डिजिट केवल देखना है आप, देखिए ये 5 से डिविजिबल है, ये नहीं हो सकता, ये 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देगी, पता है ना, लास्ट डिजिट में 5 हो या 0 हो तो डिवाइड हो जाता है, तो 5 रहा होगा तो डिवाइड हो गया होगा, 4 बचा रहा होगा, ये नहीं हो सकता। ये देखिए 5 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगा या नहीं, यही आपका आंसर होगा, और ये भी नहीं हो सकता। तो 983 ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल देता है, 5 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देता है। फिर से एक बार समझिएगा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है जो अभी मैंने बताया, इससे पहले वाला तरीका भी अच्छा है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है आप भूल जाएं उसको। चलिए एक बार और हम कोशिश करते हैं आपके लिए। 6 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, जब आप सामने नहीं होते हैं उसके बाद हमें रिपीट करना होता है वो क्वेश्चन, बड़ी मुश्किल होती है, आप जानते ही हैं, क्लास में कोई नहीं होता है, हम अकेले पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं आपके ऊपर, उसके बाद भी आप सपोर्ट नहीं करते हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग तो बड़े अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, बड़े अच्छे अप्रिशिएशंस देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हर एक टीचर्स की तरफ से, पूरी दिशा परिवार की तरफ से थैंक यू है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं जब किसी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं, जब आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जब आप कोई अच्छा रिजल्ट देते हैं या अच्छे पेपर्स में अच्छा करते हैं, देन हम लोग को खुशी होती है ना कि हम लोग ने जो किया वो आपके लिए फ्रूटफुल है, जो आपने अब्सॉर्ब किया है ना। लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट कोई नहीं, आपको अच्छा करना है ना, हर जगह आपको पॉजिटिव रहना, हमेशा हम कहते हैं कि पॉजिटिव बने रहिए। चलिए फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली देखिएगा, ठीक है। 6 से डिविजिबल एक नंबर लेना है जो 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर हो, 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर है 999, यही है। तो आप अगर कहें कि 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 999 है, तो इसमें हम चेक करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी, 6 से डिविजिबल नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड करिए, 6 के 6 3 9, 6 6 36, 3 39, 39 36 तक डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने कहा 996, एक नंबर आया 996 जो कि 6 से डिविजिबल है। अब अगर हमको 5 शेषफल चाहिए तो इन दोनों का अंतर 1 आया, 1 माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल गया, एक नंबर 995।
ये ऐसा नंबर मिला जो कि 6 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल दे रहा है। अब अगर ऐसे ही और नंबर हमको चाहिए तो हम क्या कहेंगे, हर 6 नंबर के बाद ऐसा ही नंबर रिपीट होता हुआ मिलेगा आपको, हर 6 नंबर के बाद रिपीट होता हुआ मिलेगा आपको। एग्जैक्टली याद कर लेना होगा कि जैसे आप क्या कहते हैं कि 4 के बाद कहाँ मिलता है, 4 की डिविजिबिलिटी 8 पे मिलती है, फिर 12 पे, देखिए हर बार 4 अंक के बाद मिलता है ना। कोई भी नंबर रिपीट करवाना हो तो जिसकी डिविजिबिलिटी लेना हो वही आप बार बार रिपीट करवाइए। तो अगर हमको 6 वाले पे चलना है तो हर 6 नंबर के बाद ऐसा ही नंबर मिलता रहेगा, तो हर 6 नंबर के बाद ऐसा ही मिलेगा, तो आप केवल 4 लिख लिया करिए। हमने जितना भी अभी 3 क्वेश्चन शायद मुझे मिला था इस पे, मैंने तीनों क्वेश्चन पे यही ट्राई किया है और ये हर जगह सक्सेसफुल है। 4 नंबर लिखिए, 4 में आपको मिल जाएगा श्योरली, ठीक है। तो 4 नंबर लिख लीजिए, 6 माइनस करिएगा तो 9 8 9 मिलेगा, 9 8 3 मिलेगा और 9 7 7 मिलेगा। चारों नंबर हमने लिख लिया, अब आपको क्या चेक करना है, 5 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल मिले। 5 से डिवाइड करना आपको बहुत आसानी से आता है, ये 5 से पूरा डिविजिबल है, कोई मतलब नहीं है, केवल यूनिट डिजिट आपको देखनी है। इसमें 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 1 5 4 9 रिमाइंडर 4 आया, नहीं लेना है आपको। इसमें 5 से डिवाइड करिएगा रिमाइंडर 3 आया, यही होगा और इसमें भी नहीं होगा। बात समझ में आई, देखिए केवल 2 लाइन का काम था, केवल 2 लाइन आपको दिमाग लगाना है। अब 983 ही आपका आंसर है, आपसे अंकों का योगफल पूछ ले, या आपसे लास्ट में शायद पूछा गया था 11 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या हो, तो आप बताइए ऑप्शन से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तब आपको ये करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, 983 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 8 बार डिवाइड होगा 88 और 10 बचेगा मेरे ख्याल से, 88 10 98 11 9 99 ज़्यादा हो जाएगा, 10 बचेगा तो 103 बचा, 11 9 99 रिमाइंडर कितना आ गया, 4। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप बेहतर समझ पाएं, इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है, फिर से यही क्वेश्चन है सेम, यदि x 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 और 6 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 देती है, और तो x को विभाजित करने पर 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। लिखा गया x 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 7 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 मिलता है, तो x को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, है ना। अब फिर वही काम करना है आपको, पिछला वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे भी करिए। हम जो आपको बता रहे हैं वो हम आपको दूसरा तरीका बताना चाह रहे हैं जो आसान, ठीक है। तो देखिए 7 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल आपको चाहिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है 3 अंकों का, 999। अब 7 से इसको डिवाइड करिए और एक नंबर बना लीजिए। देखिए 7 2 9 29 आया, 7 6 28 1 29 19 बचा। अब 19 के आसपास कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, 14 है ना, तो हमने कहा कि ये 9 9 4 एक नंबर है ऐसा जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित नंबर मिल गया 9 9 4। आपको निकालना है कि 3 रिमाइंडर भी मिले, 3 रिमाइंडर अगर आपको चाहिए तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम इसमें से माइनस कर दें, प्लस करिएगा तब भी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पे 3 ऐड करिएगा तब भी आपको वही नंबर मिलेगा, लेकिन 3 ऐड करने पे 97 हो जाएगा। चलिए अच्छा 3 ऐड करके भी दिखाते हैं, 3 अगर इसमें ऐड कर दीजिएगा तब भी आपको नंबर मिलेगा जो वो भी सेम वही होगा जो 7 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देता है। लेकिन हमको आगे नहीं जाना है, हमको पीछे आना है, ठीक है, वापस चलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर, इनका अंतर कितना है 4, 4 आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा हर बार, 4 माइनस करिएगा तो 990 मिलेगा, सॉरी यहाँ 4 माइनस करना है आपको, क्या पहला नंबर कौन सा मिला 990। हमने पहला नंबर अगर 990 निकाल लिया तो अब हर 7 नंबर के बाद ऐसा नंबर रिपीट होगा जो 7 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देता है, 7 यहाँ से माइनस करिएगा तो कितना मिल जाएगा 983, फिर 7 माइनस करिएगा तो 976, एक और लिख लीजिए, 4 मैंने कहा है 4 लिख लिया करिए, 7 यहाँ से माइनस करिएगा तो 969, 4 नंबर आपने लिख लिया। अब डिवाइड करते हुए चलिए, 6 से विभाजित करने पर हमें 4 शेषफल चाहिए, चेक करिए 6 3 9 6 6 36 3 9 30 बच गया, 6 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 5 30 नहीं हो सकता, अगला नंबर लीजिए, 6 से डिवाइड करिएगा 6 3 9 6 6 36 23 बचा है, 6 3 18 5 बच गया है ना, यहाँ पे 5 शेषफल आ रहा है, नहीं हो सकता, अगला जाइए 6 3 9 6 6 36 16 बचा है, 6 2 12 4 16, देखिए ये वाला नंबर सेट हो गया।
यही आपका आंसर होगा, ये भी नहीं होगा फिर, समझ में आई बात? तो 976 आपका आंसर हुआ, लेकिन आपको क्या पूछा गया, 976 को 11 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो डिवाइड करिए 11 8 88 और 7 2 9 बचा 96, 11 8 88 फिर से बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। मुझे लगता है आपको बेहतर समझ में आया होगा आज ये चीज़ें, शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, शायद पढ़ी भी हो तो दूसरे मेथड से पढ़ी हो, मैंने दूसरा मेथड बताया, ठीक है। कई सारे मेथड है, इसके 2-3 मेथड है, मैंने 2-3 शायद 2 पहले बता दिया बेसिक सा जल्दी जल्दी से, ये आपको मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि ये भी पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है, जल्दी से देखिए। 4 घंटियाँ 6 8 12 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, यदि वे 12 बजे बजना शुरू करें तो अगली बार वे कब बजेंगी एक साथ, और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया वो 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, 6 8 पूछा, बोला गया 4 घंटियाँ 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती, यदि वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करें, यदि वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करें तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगे, इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखिए, और 6 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगे। 12 बजे उन्होंने शुरू किया है, अगली बार कब वे साथ बजेंगे, तो हमेशा आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 18 ये हो गया, तो 6 इसमें आ गया, 6 2 12 दो बचा, इसमें 8 का 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो 4 2 8 6 पूरा इसमें आ गया, ये कितना हो गया, 72 सेकेंड। जो भी एलसीएम आएगा उसी एलसीएम वाले टाइम के बाद हमेशा वो एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो 12 बजे 12 PM पे अगर बजना उन्होंने शुरू किया होगा, आफ्टरनून में 12 बजे बजना शुरू किया होगा, अगले 72 सेकंड के बाद वे पहली बार फिर से साथ में बजेंगे, ठीक है। साथ में कब बजेंगे, 72 सेकंड मतलब 1 मिनट 12 सेकंड, तो 12 बज के 1 मिनट 12 सेकंड पे वे एक साथ बजेंगे फिर से, ठीक है। अब पूछा गया आपसे कि 6 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 6 मिनट में निकाल लीजिए, हम कह रहे हैं हर 72 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे वो दोनों, वो सभी चारों घंटियाँ हर 72 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, अगर तो 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 मिनट, मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए, इतने सेकंड में हर 72 सेकंड पे चूके बजती हैं, डिवाइड कर दीजिए 36 × 72 यानी 5 बार। लेकिन ये आंसर बुक्स में दिया होता है जो कि गलत आंसर है, आपको क्या करना होगा, 5 बार ये आया और 1 बार शुरुआत में बजी होंगी, जब 12 बजे हमने समझ लीजिए 4 स्विच लगी थी, चारों मैंने 1 बार में खट से ऑन कर दी, या एक ही स्विच में सबको ऐड कर दिया था हमने, एक ही स्विच ऑन की चारों 1 बार में ऑन हो गए लाइट्स, ठीक है। चारों घंटियाँ एक साथ बजने लगी, तो चारों घंटियाँ अगर बजने लगी तो 1 बार तो शुरुआत में एक साथ बजी होंगी, फिर 5 बार 6 मिनट में बजी होंगी, यानी 5 + 1 आंसर आपका होना चाहिए 6 बार एक साथ बजेंगी, समझ गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही बेसिक होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही माइंडफुल क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको कि ये शायद 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। देखिए आपको बोला गया कि यदि दो संख्याओं 1728 और K का LCM, ये दो संख्याओं 1728 और K का LCM दिया गया है 5184, यदि दो संख्याओं 1728 और K का LCM 5184 है तो के की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो के की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था शुरू में ही,
मान लीजिए 20 लिखा है, ये 25 लिखा है, ये 36 लिखा है, तो आपको मैंने बताया था एक प्राइम फैक्टर कॉन्सेप्ट है ना। प्राइम फैक्टर कॉन्सेप्ट में क्या आप क्या कर सकते थे, इसको कैसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते थे, पहले क्या करते थे, 4 × 5 = 20 यानी 2 × 2 = 5, इसको क्या लिख सकते थे, 5 का स्क्वायर, इसको लिखते थे आप 9 × 4 = 36, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। अब अगर इसका एलसीएम लेना होता था तो क्या करते थे आप, मैक्सिमम पावर लेते थे, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 लेते थे, फिर 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, ये आता था इनका एलसीएम। ये आपने पढ़ा था, मैंने पहली क्लास में मतलब पिछली क्लास में बताया था, है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप कहिए 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है 1728 12 को क्या लिखते हैं आप, 3 × 12 2 का स्क्वायर × 3 2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब करना है यानी 2 का पावर 6 और 3 की पावर 4 × 3 = 12 हाँ 3 की पावर 3 यही हो जाएगा, ये इसका हो गया फैक्टर। और 5184 1728 का कितना गुना है, 2 गुना है 17 × 51 3 गुना है ना, 8 × 3 = 24 3 × 2 = 6 = 8 सही है, 3 गुना है, 1728 का 3 गुना है यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 3 की पावर 4 ये लिख सकते हैं। अब आपको एक ऐसा नंबर बीच में सेट करना है जो इसके और इसका एलसीएम हमें ये मिल जाए, है ना। तो अगर हम बीच में जो नंबर लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत दिमाग से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अब बीच में हम क्या नंबर लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 0 ले लें, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो क्या 2 की पावर 6 एलसीएम में आएगा या नहीं। मैंने क्या समझाया आपको, हमेशा मैक्सिमम पावर को एलसीएम में उठा लेते हैं, तो 2 की पावर 6 ही तो जाएगा एलसीएम में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही 2 की पावर अगर 1 ले लें तब भी, 2 की पावर 2 ले लें, 2 की पावर 3 ले लें, 2 की पावर 4 ले लें, 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6 इतने में से कोई नंबर यहाँ पे लीजिएगा तो क्या एलसीएम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 6 मैक्सिमम पावर है और मैक्सिमम पावर ही दोनों में से कॉमन करके हम एलसीएम में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 7 पॉसिबल वैल्यूज इसकी हो गई। अब हम चेक करते हैं दूसरे वाले नंबर की, 3, क्या 3 की पावर यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, मैक्सिमम पावर 3 है, कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 की पावर 1 ले सकते हैं, बिल्कुल, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, क्या 3 की पावर 4 ले सकते हैं। अब बताइए इसमें से क्या क्या ले सकते हैं, बस इतना ही सोचना था, सबसे मेहनती काम यहीं पे है, सबसे मुश्किल जो आपको समझना है। अगर आप यहाँ पे 3 की पावर 0 ले लेंगे या 3 की पावर 1 लेंगे या 3 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 2 या 3 की पावर 3, इन चारों में से कोई भी नंबर अगर आप ले लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 3 1 या 0, इन सभी में कॉमन क्या होगा, 3 की पावर 3 मैक्सिमम पावर कॉमन होती है और आपको एलसीएम में लाना क्या था, 3 की पावर 4 लाना था, इसलिए आप ये कहेंगे कि ये तीनों चारों वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर से समझिएगा, अगर 3 के पावर 3 तक कोई वैल्यू आप लीजिएगा यहाँ, तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 दोनों जगह हो गई या 3 के पावर 2 हो गई, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 के पावर 3, यही कॉमन होगा तो 3 के पावर 3 कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, 3 के पावर 4 मिल रहा है, यानी हम यहाँ पे केवल और केवल क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 4। अगर यहाँ पे हम 3 की पावर 4 लेंगे तभी दोनों में से मैक्सिमम पावर यानी 3 की पावर 4 कॉमन होकर यहाँ पे जाएगी। इतनी बात मुझे लगता है कुछ पल्ले पड़ी होगी, समझिए फिर से। इसकी 7 वैल्यू हम ले सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर 2 की पावर 6 वहाँ भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 6 यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे 0 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लीजिएगा, तो दोनों में मैक्सिमम पावर कॉमन होती है और मैक्सिमम पावर यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर जो लिखी गई है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखी है, तो इसलिए हमें मैक्सिमम पावर दूसरे वाले नंबर से चाहिए ही चाहिए। यानी इसकी 7 पॉसिबिलिटी, इसकी 1 पॉसिबिलिटी, तो 7 × 1 यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 7 पॉसिबिलिटी यही हुआ। अब एक बार और समझिएगा दूसरे क्वेश्चन के थ्रू, ये 2017 के मेंस में शायद यही क्वेश्चन था या थोड़ा सा डिजिट चेंज होगी।
2017 के मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया इसी पे सेम बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी समझिएगा, मुझे लगता है बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। लिखा गया फिर से क्वेश्चन कि तीन प्राकृतिक संख्याओं 150, 144 और x, 150, 144 और x का LCM, LCM जो दिया गया वो कितना है, 10800। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी, ठीक है, x की पॉसिबल वैल्यू सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 150 यानी 25 का कर सकते हैं, 25 छक्का 150 और 25 5 का स्क्वायर होता है तो 2 3 6 और 5 का स्क्वायर यही हो जाएगा 140, 140 को 7 × 14 7 × 20 लिख सकते हैं, 20 को क्या ले सकते हैं, 4 × 5 = 20 और ये 7, और इसका हमें पता करना है, यही हमें निकालना है। और आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो इसको तो लिख सकते हैं आप क्या, 25 × 100 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 108 को क्या लिख सकते हैं, 9 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 12 × 9 यानी 4 × 3 = 12, 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर ये। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये नंबर बनेगा। अब आपको फिर से दिमाग लगाना है, दिमाग खोल के बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए हमने क्या कहा है, मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है। देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो क्या यहाँ और कोई पावर आ सकती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3 आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी होती है, और चूंकि इन दोनों में मैक्सिमम पावर नहीं मिल रही है, इसका मतलब तीसरे वाले नंबर में ही मैक्सिमम पावर हमें मिली होगी। समझ में आया, 2 की पावर 2 यहाँ पे 0 1 है, 2 की पावर 1 यहाँ 2 की पावर 2 है, इसलिए हमने क्या कहा कि हमें 2 की पावर 4 अगर LCM में चाहिए तो 2 की पावर 4 के लिए हमें तीसरे नंबर में 2 की पावर 4 लेना ही लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले नंबर पे आते हैं, 3 पे, 3 का स्क्वायर हमें चाहिए था, यहाँ पे केवल 3 मिला हुआ है, तो 3 का स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो केवल और केवल दूसरी इस नंबर में 3 का स्क्वायर ही ले सकते हैं। क्या 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 है, हमें LCM में 2 चाहिए, तो मैक्सिमम पावर कॉमन कर सकते हैं, इसलिए हमें मैक्सिमम पावर इस तीसरे वाले नंबर में चाहिए ही चाहिए होगा। क्लियर है बात, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमें चाहिए, यहाँ 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 5 है केवल, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर चाहिए, यानी हम चाहें तो 5 का 0 ले लें पावर, यानी इसमें 5 हो ही ना, और दूसरा नंबर क्या पॉसिबिलिटी है, 5 की पावर 1, और तीसरे नंबर की पॉसिबिलिटी है 5 की पावर 2। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 क्यों हो सकती हैं, ये बात फिर से समझिए, क्यों हो सकती हैं, 5 की पावर 2 यहाँ पे मिल रहा है मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर ही कॉमन होके यहाँ पे मिल रही है, तो आप इसमें कोई भी पावर ले लीजिए 5 की, कहाँ तक, 2 तक। अगर यहाँ पे 5 की पावर 3 ले लीजिएगा तो मैक्सिमम पावर 5 की पावर 3 हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 कॉमन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए आप क्या कहाँ तक ले सकते हैं, 0 से 2 तक की पावर ले सकते हैं। समझ में आई बात, तो इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप चेक करिएगा तो इसकी एक पॉसिबिलिटी, इसकी दो पॉसिबिल सॉरी एक पॉसिबिलिटी और इसकी 3 पॉसिबिलिटी, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आई, 3 पॉसिबिलिटीज़। आंसर एक मिनट चेक कर लेते हैं आपको टोटल, एक सेकंड, इसमें ऑप्शंस तो दिए गए हैं बड़े बड़े से, एक बार चेक कर लीजिए, 150 यहाँ 140 की जगह 144 इन्होंने दिया है, तब ये हो गया, ठीक है, ये इन्होंने 144 दिया था, मैंने 140 ले लिया है, कॉन्सेप्ट सेम है और कॉन्सेप्ट यही हर जगह अप्लाइड होगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा 150, 144 और x पे LCM दिया गया था 10800, आंसर आपका आना चाहिए था 15। अगर आपका नहीं आता है तो बताइएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, मैंने 2 क्वेश्चन इस पे करवा दिए हैं, तो आप मुझे लगता है थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा तो समझ ही गए होंगे कि आप कर ले जाए, है ना। तो चलिए आपको फिर से हम एक बार यही सजेशन देंगे कि आप अपनों और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और बिल्कुल भी टेंशनाइज्ड मत होइए, एग्ज़ाम प्रेशर है, हम समझ रहे हैं आपके CHSL CGL के मेंस के एग्ज़ाम है, बट प्रेशर लेने से कुछ नहीं होने वाला,
कोशिश करिए कि आप छोटे छोटे टारगेट फिक्स करिए, उसको अचीव करने की कोशिश करिए, फिर आपका मन लगने लगेगा उन चीज़ों में। अब ज़्यादा आप प्रेशर फील करेंगे देन, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं आपके आसपास, जैसा न्यूज़ देख रहे होंगे आज आप कल, आप लोग आजकल की न्यूज़ तो थोड़ी सी डरावनी है, तो आपके माइंड पे वही इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से कोशिश करिए दूर रहिए, थोड़ा फ्रेंड्स से मिलिए, थोड़ा अपने फैमिली को टाइम दीजिए। कुछ नहीं है तो टीचर्स आपके लिए हमेशा है, किसी भी टीचर को आप कॉल करके कंसल्ट करिए, सुनसी सर हैं या अकिल सर हैं सबसे अच्छे मोटिवेटर, और या फिर हम लोग हैं, कोई भी है आपके लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, फ्रेश माइंड से ऑप्टिमिस्टिक बनिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं HCF के साथ, ठीक।